सपोज करो आपके पास दो शेल्स हैं, एक और दो, चलो दो शेल तो फिर भी एक्सेप्टेबल है, कम से कम तीन इरिटेटिंग हैं, दो तो ठीक लगते हैं और बिना अर्थिंग के तो और भी अच्छे लगते हैं। आप ए और बी रेडियस है, नॉर्मल पेपर में शेल्स दो ही आते हैं, तीन तो मैंने आते देखे नहीं है पर दो तो मैंने देखे हैं। तो दो शेल्स हैं ए एंड बी, क्यू वन क्यू टू मैंने चार्ज दिया हुआ है। मेरा क्वेश्चन है आप ए पॉइंट पे पोटेंशियल निकाले क्या होगा, ए पॉइंट पे, ये लो ये ए पॉइंट है तो ए पॉइंट पे बोलो क्यू वन कितना पोटेंशियल लगाएगा, 1/4 pi epsilon naught क्यू वन डिवाइडेड बाई ए, कोई डाउट इसमें। क्यू टू कितना पोटेंशियल लगाएगा, क्योंकि शेल क्यू टू के अंदर ये चार्ज है तो क्यू टू क्या कहेगा, जितना मेरी सरफेस पे पोटेंशियल है उतना ही अंदर दे दो, सरफेस पे कितना पोटेंशियल है क्यू टू डिवाइडेड बाय बी, उतना ही अंदर है। तो क्या ए पॉइंट का पोटेंशियल क्लियर है सबको? अच्छा, अब मेरा क्वेश्चन है बी का पोटेंशियल निकालो, बी का। अब क्यू वन चार्ज की दूरी यहां से बी है तो पोटेंशियल क्या होगा, क्यू वन बाय बी, और क्यू टू का क्या होगा, क्यू टू बाय बी। तो ए और बी का पोटेंशियल निकाल दिया। अब मेरा ये क्वेश्चन है बताओ ए का पोटेंशियल बढ़ा है कि बी का पोटेंशियल बढ़ा है, ए का बढ़ा है कि बी का बढ़ा है, कैसे चेक करते हो? डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर इसका छोटा है क्योंकि ए छोटा है बी तो बड़े हैं, तो ए का पोटेंशियल बड़ा है और बी का छोटा है, क्लियर है यहाँ तक? क्योंकि ए रेडियस छोटा है ना तो वी बड़ा होगा, तो ए का पोटेंशियल बड़ा बी का छोटा, तो मैंने बड़े में से छोटे पोटेंशियल को माइनस कर दिया और मैंने क्या निकाल लिया, पोटेंशियल का डिफरेंस। जब मैंने दोनों शेल्स का पोटेंशियल डिफरेंस निकाला तो ये वाली और ये वाली टर्म आपस में कैंसिल हो गई, तो मेरा पोटेंशियल डिफरेंस सिर्फ किस पे डिपेंडेंट है, क्यू वन पे, ठीक है यहाँ तक? तो पोटेंशियल डिफरेंस सिर्फ इनर शेल पे डिपेंडेंट है, चार्ज पे डिपेंडेंट है, आउटर पे नहीं डिपेंडेंट। क्वेश्चन सुनवाएगा वो कहेगा जी ये डायग्राम ले लो, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू पहले मान लो वी थी, जो भी थी 10 वोल्ट थी, मैं आया मैंने आउटर शेल को अर्थ कर दिया, मैंने आउटर शेल को 100 कूलम चार्ज दे दिया, आउटर शेल को 500 कूलम चार्ज दे दिया, बोलो नया पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा? सेम, क्योंकि आउटर चार्ज के ऊपर डिपेंड करता ही नहीं था, तुम अर्थ करो ना करो, चार्ज दो ना दो आउटर को, पोटेंशियल डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, इनर्शियल, ऐसा ऑब्जेक्टिव पूछेगा। तो लिख लो फॉर्मूला रजिस्टर में, ये डायग्राम बनाओ, पोटेंशियल डिफरेंस लिखो और लिखो पोटेंशियल डिफरेंस डिपेंड्स ओनली ऑन चार्ज ऑफ इनर शेल, ये शॉर्टकट लिख लो, पोटेंशियल डिफरेंस दो शेल्स में सिर्फ इनर शेल इनर चार्ज पे ही डिपेंड करता है। तो ये ऑब्जेक्टिव की ट्रिक है, समझ में आ रहा है यहां तक? तो एक ये शॉर्टकट याद रखना है, पोटेंशियल डिफरेंस सिर्फ इनर शेल के चार्ज पर डिपेंडेंट करता है, आउटर पर नहीं डिपेंड करता, ठीक है? मैं होमवर्क भी दूंगा आज, ऑब्जेक्टिव शीट दूंगा 18 क्वेश्चंस की, उसमें ये कॉन्सेप्ट यूज होगा, बस पकड़ लेना कहाँ यूज होगा, वो अजीब अजीब कहानियाँ डालता रहेगा, आंसर सेम ही मार्क कर देना, ठीक है? नंबर टू दूसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसा आता है, बहुत आता है, ये भी बहुत आता है। सपोज करो फिर से दो शेल है, वही ए और वही बी, वही चार्ज क्यू वन एंड क्यू टू, वही पोटेंशियल डिफरेंस वी ए माइनस वी बी, दे दिया पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। अब क्वेश्चन आएगा कि अगर मैंने इन दोनों शेल्स को किसी कंडक्टिंग वायर से जोड़ दिया तो बताओ क्या होगा, बाहर का चार्ज अंदर आ जाएगा, अंदर का चार्ज बाहर आ जाएगा, कि चार्ज एवरेज आउट हो जाएगा, शेयरिंग हो जाएगी, क्या होगा, ये फाइनल आंसर दो। तो सुनो, जो पॉजिटिव चार्ज है वो देखो चार्ज तो मूव करेगा, उसको रास्ता मिल गया कंडक्टिंग वायर से मूव करने का, तो पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज मूव फ्रॉम अ हायर पोटेंशियल टू अ लोअर पोटेंशियल, कब तक,
जब तक दोनों पॉइंट के पोटेंशियल सेम नहीं हो जाते। ये रूल है नेचर का। पॉजिटिव चार्ज, मैंने ये नहीं कहा चार्ज मूव फ्रॉम अ हायर टू लोअर पोटेंशियल, मैंने क्या बोला पॉजिटिव चार्ज मूव फ्रॉम अ हायर टू लोअर पोटेंशियल एंड नेगेटिव चार्ज ऑलवेज मूव फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। याद रहेगा जैसे पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ चलता है, नेगेटिव चार्ज उसके ऑपोजिट चलता है। पॉजिटिव चार्ज हायर से लोअर पोटेंशियल पे जाता है, नेगेटिव चार्ज लोअर से हायर जाता है। याद रहेगा यहां तक? तो देखो मान लो इसके अंदर का चार्ज Q1 पॉजिटिव था, केस नंबर वन। अगर ये पॉजिटिव था, ये पॉजिटिव है, तो ये पूरी टर्म पॉजिटिव आएगी, VA माइनस VB पॉजिटिव आएगा, तो VA ग्रेटर देन VB, है ना। ये तो है ही पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, A की वैल्यू छोटी है, B की वैल्यू बड़ी है, तो ओवरऑल ये पूरी टर्म क्या आ जाएगी, पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब VA का पोटेंशियल बड़ा है और VB का छोटा है ना। तो VA माइनस VB पॉजिटिव का मतलब VA पोटेंशियल बड़ा है, VB पोटेंशियल छोटा है। और क्योंकि हमने एज्यूम किया Q1 पॉजिटिव है, तो Q1 चार्ज विल मूव फ्रॉम अ हायर टू लोअर पोटेंशियल। तो Q1 चार्ज अंदर से बाहर खिसकना स्टार्ट हो जाएगा फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल। क्लियर है? और कब तक? जब तक दोनों के पोटेंशियल सेम नहीं हो जाते। और पता है कब सेम होंगे? जब पूरे का पूरा Q1 चार्ज ही बाहर शिफ्ट हो जाएगा और फाइनल सिचुएशन क्या देगा, Q1 प्लस Q2। आप ओके, वो कैसे? अब तो बेचारे के पास कुछ रहा ही नहीं। अब देखो ए पॉइंट, अगर सारा चार्ज बाहर चला गया तो ए पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा बताओ। अब इनर शेल के पास तो कुछ है ही नहीं, वो तो लगाएगा नहीं। आउटर शेल कहेगा क्योंकि ए पॉइंट मेरे अंदर लाए करता है तो मेरे सरफेस का पोटेंशियल इसको दे दो। सरफेस का पोटेंशियल क्या है, 1/4 πε0 Q1 Q2 / B। और बी पॉइंट के पोटेंशियल में तो ये आएगा ही आएगा, जो आएगा Q1 + Q2 / B। तो पोटेंशियल दोनों का एग्जैक्टली क्या हो गया, सेम। और वैसे भी भाई कंडक्टर है, कंडक्टर के ऊपर चार्ज है, कंडक्टर के अंदर चार्ज वी की वैल्यू विल रिमेन सेम। जब सारा चार्ज ही बाहर शिफ्ट हो जाएगा तो अंदर भी तो सेम ही हो जाएगा, तो यानी कि दोनों के पोटेंशियल क्या हो गए, सेम। तो ऑब्जेक्टिव आएगा, आपके पास दो शेल्स हैं, Q1 Q2 चार्ज है, आपने कंडक्टिंग वायर से जोड़ दिया, बोलो क्या होगा? आपने बोलना है पूरा का पूरा Q1 चार्ज कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ऑन आउटर शेल। क्लियर है यहाँ तक? सीधा ऑब्जेक्टिव यही आएगा, एक्सप्लेनेशन आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। लिख लोगे आंसर? अब एक स्टूडेंट पूछा कि अगर उल्टा हो जाता तो Q1 नेगेटिव होता तो अब क्या होगा। अगर Q1 ऊपर क्वेश्चन में नेगेटिव हो जाता तो ये टर्म नेगेटिव का मतलब VA माइनस VB क्या जाती, नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब VA छोटा हो जाता और VB बड़ा हो जाता, उल्टा केस हो जाता। तो अगर ये नेगेटिव हो जाता तो VA की वैल्यू छोटी हो जाती और VB की वैल्यू बड़ी हो जाती। और क्योंकि ये क्या था, नेगेटिव, नेगेटिव चार्ज मूव फ्रॉम अ लोअर पोटेंशियल टू हायर, यानी कि अब भी अंदर का चार्ज बाहर ही जाएगा क्योंकि अंदर का पोटेंशियल लोअर हो गया और बाहर का हायर हो गया। तो नेगेटिव चार्ज मूव फ्रॉम अ लोअर टू हायर। तो यानी कि एक और शॉर्टकट, अगर तुम्हारे पास दो शेल्स हैं, अंदर बाहर जितना मर्जी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज कोई फर्क ही नहीं पड़ता, आपने कंडक्टिंग वायर से जोड़ दिया, अंदर का सारा चार्ज चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव उसने बाहर शिफ्ट हो ही जाना है। सीधा ऑब्जेक्टिव मार्क कर देना, बात ही खत्म। समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो फाइनल सिचुएशन में सारा का सारा चार्ज बाहर शिफ्ट कर देना, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। कोई डाउट इसमें? क्लियर है यहाँ तक? समझाना सिर्फ एक्सप्लेनेशन देने के लिए, चाहिए नहीं आपको, सीधा मार्क करना है आपको, ठीक है यहाँ तक? जैसे ये एक थिक शेल है, ये एक थिक शेल है, मोटा शेल है, तभी तो मैंने यहाँ शेड कर रखा है येलो कलर का। तो क्वेश्चन है कि यहाँ पॉइंट चार्ज पड़ा हुआ है सेंटर पे, सेंटर पे पॉइंट चार्ज है, कंडक्टर है, तो यहाँ इंडक्शन हो गई, अंदर क्या हो गया माइनस क्यू, बाहर क्या हो गया प्लस क्यू। यहाँ नहीं हो सकता क्योंकि कंडक्टर के अंदर चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता। तो पहला क्वेश्चन आएगा कि आप इनर सरफेस का सिग्मा निकालो, तो क्या होगा माइनस क्यू डिवाइडेड बाय इनर सरफेस का एरिया जो कि कितना है 4πa2। आउटर सरफेस का सिग्मा निकालो प्लस क्यू डिवाइडेड बाय 4πb2। क्लियर है यहाँ तक? इंडक्शन लेनी है क्योंकि इंडक्शन सिग्मा के अंदर इंडक्शन लेनी होती है,
लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए कि एक्स डिस्टेंस पे ई निकालो, तो पॉइंट चार्ज ई क्या लगाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, माइनस क्यू शेल क्या लगाएगा, माइनस क्यू बाई एक्स स्क्वायर, प्लस क्यू क्या लगाएगा, प्लस क्यू बाई एक्स स्क्वायर आंसर। ऐसे वी निकालो, पॉइंट चार्ज वी क्या लगाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई एक्स, ये शेल क्या लगाएगा, माइनस क्यू बाई एक्स, आउटर शेल क्या लगाएगा, क्यू बाई एक्स आंसर। बाकी सेम है, क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? जैसे ये बहुत आता है नीट में, मेंस में, एनसीईआरटी में, पता नहीं यार उनका ऑल टाइम फेवरेट क्वेश्चन है यही है, ये बहुत आता है ठीक है। इन एन एक्सपेरिमेंट एन स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ सेम साइज आर चार्ज टू अ पोटेंशियल वी वोल्टेज, कह रहे छोटे छोटे ड्रॉप हैं, छोटे छोटे ड्रॉप हैं, ध्यान आगे प्लीज, ध्यान आगे, छोटे छोटे ड्रॉप हैं, हर छोटे ड्रॉप का पोटेंशियल वी है, उन ड्रॉप्स को मैंने कंबाइन कर दिया और एक बड़ा ड्रॉप बना दिया, बड़े ड्रॉप का नया पोटेंशियल क्या होगा, ये क्वेश्चन है, एन ड्रॉप्स हैं। तो रूल नंबर वन, जब भी ड्रॉप्स कंबाइन करते हैं, छोटे ड्रॉप का रेडियस मान लो छोटा आर है, बड़े का बड़ा आर है, एन ड्रॉप्स हैं, वॉल्यूम इक्वेट कर दो, ये आंसर आ गया, रेडियस का रेशियो आ गया। क्योंकि छोटे ड्रॉप का रेडियस स्मॉल आर है, छोटे ड्रॉप का चार्ज क्यू है मान लो, छोटे ड्रॉप का पोटेंशियल क्या होगा, वी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर, लिख लिया हमने, बड़े का निकालना है, बड़े चार्ज का, बड़े ड्रॉप का चार्ज क्या होगा, छोटे छोटे ड्रॉप मिलेंगे, चार्ज एडिटिव है, मिलके नया चार्ज क्या देगा, एन क्यू, बड़े चार्ज, बड़े स्फीयर पे चार्ज क्या है, एन क्यू, बड़े ड्रॉप का चार्ज एन क्यू, रेडियस बड़ा आर, तो नया पोटेंशियल क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एन क्यू बाई कैपिटल आर, पुट कर दिया, इस कैपिटल आर की वैल्यू जो वॉल्यूम से इक्वेट की वो यहाँ पुट कर दी, एन की पावर 1, एन की पावर 1/3, माइनस करके एन की पावर 2/3, ये पोटेंशियल किसका था, छोटे ड्रॉप का, तो बड़े ड्रॉप का पोटेंशियल एन की पावर 2/3 इंटू छोटे ड्रॉप का पोटेंशियल, ये ऑब्जेक्टिव आपको मतलब भेस बदल बदल के आएगा, कभी कहेगा कि 27 ड्रॉप्स मिल गए, कभी कहेगा 9 ड्रॉप मिल गए, कभी कहेगा 8 ड्रॉप मिल गए, तो यहाँ पुट करते रहना एन, आंसर आ जाएगा। तो बड़े ड्रॉप का पोटेंशियल एन की पावर 2/3 इंटू छोटे ड्रॉप का पोटेंशियल, स्टैंडर्ड आंसर है। समझ में आ रहा है यहाँ तक कैसे करना है, अपनी फॉर्म चेंज करता रहेगा क्वेश्चन। जैसे सपोज ये आपके सामने एक स्फीयर है, इसके ऊपर चार्ज क्यू है, रेडियस आर है, सरफेस पे पोटेंशियल वी है, तो वी का फॉर्मूला क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। क्वेश्चन है मुझे इसी स्मॉल आर डिस्टेंस दूर, ये सरफेस का पोटेंशियल है, लेकिन मुझे ई निकालना है स्मॉल आर डिस्टेंस दूर, स्मॉल आर डिस्टेंस दूर ई का फॉर्मूला क्या होता है, स्मॉल क्यू बाई आर स्क्वायर। तो ई निकालना है इन टर्म्स ऑफ वी, तो आप यहाँ से चार्ज निकाल लो, उस चार्ज को यहाँ पुट कर दो, V के टर्म में E की वैल्यू आ जाएगी। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको असाइनमेंट मिलेगा, आज जो होमवर्क दूंगा उसमें पढ़ा होगा, दोनों ऑब्जेक्टिव होंगे, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा कुछ इसमें कॉन्सेप्ट यूज़ करना है ठीक है यहाँ तक।